नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। श्रीलंका को उसी की धरती पर 2-0 से हराने वाली इंग्लैंड की टीम अब आ पहुंचेगी भारत, एक ऐसी जगह जहां पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहद खराब है। और ऐसे में फॉर्म में इंग्लैंड की टीम क्या भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे पाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न तो इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास है और ना ही भारत के तमाम क्रिकेट दिग्गज कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड की टीम है जिसने श्रीलंका को उसी के सरजमी पर उनके स्पिनर्स के सामने ढेरों रन बनाए और श्रीलंका चारों खाने चित हो गई। अगर हम बात इंग्लैंड के कप्तान की करें, जो रूट बने मैन ऑफ द सीरीज, उस अगर हम दौरे की बात करें और एक दोहरा शतक और एक शतक लगाकर उन्होंने फॉर्म में होने के संकेत दिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाकी के इंग्लिश बल्लेबाज क्या भारतीय स्पिनर्स का सामना कर पाएंगे। और इसीलिए इंग्लैंड की टीम थोड़ी बेचैन है, क्योंकि भारतीय स्क्वाड पे अगर आप नजर डालेंगे तो 4 स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम में आपको नजर आएंगे जो भारतीय टीम की जीत का ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज डिटेल में बातचीत करेंगे कि क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज वाकई तैयार नजर आए श्रीलंका में या उनके अंदर अभी भी कोई ऐसी खामी है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी आपको पॉजिटिव भी नजर आएगी, थोड़ी नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव इसलिए कि भारत के पास 4 स्पिनर हैं, और नेगेटिव इसलिए कि जो रूट एक तरफा श्रीलंका में इंग्लैंड को मैच जिता के लिए आए, यानी कि कप्तान का बल्ला बोला, बाकी खिलाड़ी रन नहीं बना पाए, इसके बावजूद इंग्लैंड सीरीज जीतने में कामयाब रहा। आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत के स्पिनर्स इंतजार कर रहे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों का, वहीं जो रूट हैं जिनको इस बात को साबित करना है कि अभी भी वो फैब फोर में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप मेरे ठीक पीछे पढ़ ही रहे होंगे कि विराट के 4 यार करेंगे इंग्लैंड पे वार, और सबसे ज़्यादा शिकार करने की अगर बात होगी, टारगेट होगी, तो वो हो गए जो रूट, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है राजकुमार जी, इंग्लैंड जो है पहुँचेगी तो 27 तारीख को चेन्नई, लेकिन मैच अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में है जो रूट और जिस तरह की गेंदबाजी, अश्विन हो चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो या कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, जो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन ओवरऑल विराट के ये 4 यार जो है जो रूट के शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। बिल्कुल राजीव, बहुत इम्पॉर्टेंट विकेट है जो रूट का, और जिस फॉर्म में वो हैं तो उन्हें जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये भारतीय स्पिनर्स जानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए कि जो रूट को विकेट जल्दी लेना, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर उनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसा कि उन्होंने अभी श्रीलंका सीरीज में भी दिखाया। और सबसे अच्छी बात है उनकी कि वो स्पिन भी अच्छी खेलते हैं जो उन्होंने अभी श्रीलंका में किया है, और मोर और लेस विकेट्स भी राजीव जैसी इंडिया में है ऐसी ही तकरीबन श्रीलंका में है। तो भारतीय स्पिनर्स को बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी, और एक तरह से उनको फंसाना होगा अपने जाल में अगर उनको जल्दी आउट करना है, और वो जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए अगर इंग्लैंड पे प्रेशर बनाना है तो। बिल्कुल रितेंद्र, लेकिन क्वालिटी का तो फर्क है, अगर पिच और परिस्थितियां श्रीलंका जैसी हैं, लेकिन क्वालिटी अगर गेंदबाजी में देखें तो आर अश्विन की क्वालिटी और जो श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे, बड़ा फर्क है, और ये फर्क आपको नजर आएगा मैच में। आपको लग रहा है बाकी के जो इंग्लिश बैट्समैन है वो अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए, यानी जो रूट के रन हटा दें तो शायद श्रीलंका भारी पड़ जाता, एक कप्तान के दम पे वो सीरीज जीत के आ रहे हैं, जो शायद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। जी यार राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ ऐसा ही कहने वाला था। बहुत लोग इस समय अटकलें ये लगा रहे हैं कि इंग्लैंड में, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो श्रीलंका में वो अच्छा खेली है, बट एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे ये भी याद रखना होगा, बहुत फर्क है इस समय की श्रीलंकन साइड में और भारतीय साइड में, क्लास का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है, और अभी जैसे आपने कहा स्पिन क्वालिटी का बहुत फर्क है। अश्विन वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और अगर हम श्रीलंकन स्पिनर्स की बात करते हैं, दे आर स्टिल बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनको वहां पे मुंह की खानी पड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन जब जो रूट और उनके साथ के बल्लेबाज सामना करेंगे आर अश्विन और कंपनी का, इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो यहां पे सफर आसान नहीं है, तीसरे चौथे दिन भारतीय विकेट्स क्या कर सकते हैं और क्वालिटी स्पिनर तीसरे चौथे दिन क्या कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। बिल्कुल, और राजकुमार जी, अगर हम श्रीलंका में जो टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं उसमें नजर डालें, तो एक जो फैक्टर नजर आ रहा है कि तीसरे चौथे दिन के बाद मैच अचानक बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। कुछ वैसी कहानी हमने चेन्नई में भी अक्सर देखी है,
कैसे आप देखते हैं, इंग्लैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि ये टीम बहुत टक्कर देगी, लेकिन जैसे ही हम अपने स्पिन डिपार्टमेंट में नज़र डालते हैं और श्रीलंका की बॉलिंग क्वालिटी देखते हैं, एक बड़ा गैप नज़र आता है, और ये गैप इंग्लैंड के बल्लेबाज भी आपको लग रहा है समझ रहे होंगे और इस पर काम शायद फ्लाइट में बैठते ही शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल राजीव, बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे होंगे कि अश्विन से कैसे पार पाना है, क्योंकि एक क्वालिटी बॉलर है अश्विन, और अभी ऑस्ट्रेलिया में बेहद शानदार प्रदर्शन उनका रहा था। जिस तरह उनका बॉल रिलीज हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा रिलीज हो रहा था, डिप कर रहा था, स्पिन बहुत अच्छे एरियाज में वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो उनको पार पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा भारतीय विकेटों पर। और ये भली भांति जानते होंगे इंग्लिश बल्लेबाज की भारतीय स्पिन जो डिपार्टमेंट है, अगर कुलदीप यादव भी साथ में खेलते हैं तो वो एक बहुत मिस्ट्री बॉलर होंगे इंग्लैंड के लिए, और उन इन दोनों के पेयर को झेलना इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए, और ये इंग्लैंड भली भांति जानता होगा और इसीलिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। रितेंद्र, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे बहुत कम बात हो रही है कि एसजी टेस्ट बॉल होगी यहाँ पे, और एसजी टेस्ट बॉल के बारे में कहा जाता है कि आप नया बॉल से डाल सकते हैं, इतना अच्छा सीम होता है उसका, क्या ये भी एक बड़ा फर्क होने वाला है इस सीरीज में, हमारे स्पिनर्स ज्यादा प्रिपेयर होंगे एसजी टेस्ट बॉल की सीम से, उसकी ग्रिप से? कुलदीप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सर्टेन है उनका खेलना, जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं एक मिस्ट्री बॉलर, तो एक मिस्ट्री बॉलर और उस पर एसजी टेस्ट बॉल, दोनों का बड़ा लीथल कॉम्बो नजर आ रहा है। जी हाँ राजीव, अपना घर हो, अपनी विकेट्स हो, अपनी कंडीशन हो और अपना एसजी टेस्ट का लाल बॉल हो, तो वारे न्यारे होते हैं भारतीय टीम के, भारतीय बॉलर्स के, ये इतिहास कहता है। तो इसीलिए कहा जाता है भारत में आके भारत को यहाँ पे मुंह की खिलाना आसान नहीं है, आपको बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेलनी होती है, और इंग्लैंड स्पिनर्स के साथ यहाँ पे आया ही नहीं है, तो वो कैसे लड़ेंगे भारत के आर्सेनल के खिलाफ, ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अश्विन की हम बॉलिंग की राजीव बात कर रहे हैं, उनकी दो चीजों से आजकल बचना होगा, एक तो उनकी बॉलिंग से और एक जो ट्विटर पे वो ट्वीट कर रहे हैं उससे, तो उनसे आप ज्यादा पंगा मत लेना, जब सीरीज स्टार्ट होगी ज्यादा बोलना मत, अगर आप बल्ले से उनका जवाब दे सकते हैं दें, नहीं तो अश्विन आपको बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रितेंद्र, और शायद माइंड गेम इस बार भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले शुरू कर चुके हैं, और इसी वजह से इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं कुछ बोल रहे हैं तो कुछ चुपचाप हैं, कुछ ये प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि सीरीज में क्या होगा, क्योंकि आमतौर पर माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो, ये सारे प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि इंग्लैंड की टीम के साथ रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाके हिंदुस्तान की टीम ने खेली है। और अगर हम बात प्रिपरेशन की करें तो शायद इंग्लैंड के पास बहुत कम टाइम भी है, 6 दिन के क्वारंटीन के बाद सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा उनको प्रैक्टिस करने का चेन्नई में, तो कुल मिलाकर परिस्थितियाँ वो थोड़ी सी अनुकूल नहीं है इंग्लैंड टीम के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इंग्लैंड की टीम मैच प्रैक्टिस के साथ हिंदुस्तान पहुँच रही है, श्रीलंका में सीरीज जीत कर पहुँच रही है, और इसका कितना वो फ़ायदा उठा पाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बड़ी हैरानी की बात है कि श्रीलंका में सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड के तमाम पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स श्रीलंका में जीत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत दौरे की बात कर रहे हैं, और रितेंद्र इसको क्या माना जाए, ये दहशत है, ये डर है हिंदुस्तान की टीम का? कैसे आप देखते हैं जिस तरह के बयान दिए हैं, आपने देखा होगा नासिर हुसैन ने, उसके बाद जिस तरह का बयान माइकल वॉन ने दिया, कैसे आप देखते हैं इसको? जी हाँ राजीव, यहाँ पे तो डेस्परेशन नजर आ रही है, आपने श्रीलंका में जीत हासिल की है, लेकिन इंग्लैंड जानता है चैलेंजिंग टूर अगर दुनिया में कोई है वो भारत में आके भारत के साथ टक्कर लेना, तो यहाँ पे भारत की कंडीशंस वो बहुत चैलेंजिंग है, और भारत के जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं वो बहुत चैलेंजिंग है, और जो हमने ऑस्ट्रेलिया में कहर ढाया है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जग जाहिर है, दुनिया ने देखा है, इंग्लैंड ने देखा है, तो इस फॉर्म में भारत के कारवां को रोकना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं है, वो जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर भारत अपने पोटेंशियल पे खेलती है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होती है, मुझे ये लग रहा है ये सीरीज एक तरफा होगी भारत के हक में।
नासिर हुसैन का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट में के साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेटिंग ब्रेन की अगर बात होती है तो नासिर हुसैन का नाम सबसे आगे आता है। और ऐसे में राजकुमार जी, जो चिंता है नासिर हुसैन की कि गेंद जब घूमेगी तो जॉनी बेस्ट्रो की याद आएगी और तब बोर्ड अपने फैसले पर पछतावा करेगा, इसको आप बहाना मान रहे हैं या सही मायनों में एक डर है इंग्लैंड टीम के जहन में, उनके दिमाग में, जिसकी वजह से ये डर अब बाहर आ रहा है? देखिए, डर तो है ही। मैंने जैसे कहा कि भारतीय स्पिनर्स का बहुत फियर है इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और गेंद पहले दिन से टर्न होगा। और राजीव, सबसे बड़ी बात जैसे अभी आपने कही कि एसजी का बॉल होगा जिसका सीम बहुत अच्छा होता है और उससे काफ़ी बाउंस मिलता है स्पिनर्स को, तो काफ़ी सारी मुश्किलें हैं इंग्लैंड के पास। और नासिर हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से पार पाना होगा तो ज़रूर जॉनी ब्रेस्टो की याद आएगी, जो कि थोड़ा बेटर खेलते हैं स्पिन को। लेकिन अब ये एक बहाना भी माना जा सकता है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, बट यही है कि हारने का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, अगर हम जो कुछ हाल हुआ है श्रीलंका में सीरीज जीतने के बाद भी, इंग्लैंड के जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका तारीफ ना करना, उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि अगर आप इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर देखें तो ज़्यादातर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे टर्निंग कंडीशंस में। क्या इस वजह से भी नासिर हुसैन की चिंता सामने आ रही है? क्या इस वजह से भी जिस तरह का माइकल वॉन ने बयान दिया वो सामने आ रहा है? और इसके साथ ही मैं एक एड ऑन और कर दूं कि इस सीरीज़ में अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ जॉनी बेस्ट्रो खेल रहे हैं, तब श्रीलंका का श्रीलंका की सरजमी पर यह हाल हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव, वहाँ पे बाकी सभी प्लेयर ने, जो रूट को अगर आप छोड़ दें तो उनके अलावा सभी ने स्ट्रगल किया है। और साथ साथ उसके भारत ने जो परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे भी घबराई हुई है इंग्लैंड की टीम। और वो जानते हैं कि ये टीम अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत इनका मोराल हाई है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो मैदान में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं सब तरफ से एक तरह से इंग्लैंड घिरा हुआ पा रहा है अपने को, और उससे पार पाने के लिए उन्हें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। बिल्कुल। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि मैदान पर यानी कि 22 गज की पिच पे गेंद बाद में घूमेगी, अभी इंग्लिश जो क्रिकेटर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका दिमाग पहले से घूमना शुरू हो चुका है। जी हाँ रचीव, और ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, उनके चांसेस की बात करते हैं, भारत में आपको तैयारी दिखानी होगी, मेंटल स्ट्रेंथ दिखानी होगी, क्योंकि ये टूर भारत का अगर आप अच्छा नहीं करेंगे आपको यहाँ पे दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लंबा लगेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जवाब ढूंढना होगा यहाँ पे टर्न कैसे खेलनी है। आप अकेले स्वीप से यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और ये इंग्लैंड के बल्लेबाज जानते हैं। तो जी हाँ, एक बड़ा बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे टूर है इंग्लैंड के लिए, और भारत चाहेगा जो फॉर्म उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हासिल की है उसको कंटिन्यू रखे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीलंका की सरजमी पर इंग्लैंड ने अपना इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर क्या वो अपना इतिहास बदल पाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।